कि मैं बता दूं, हरतालिका जो तीज व्रत है ये सुहागिन जो महिलाएं हैं ये रखती हैं, और इसके अलावा जो है कुंवारी कन्या जो है वो इस व्रत का जो है पालन करती हैं। नियम अलग अलग शास्त्र में नियम बताए गए हैं कि किस तरह से ये नियम का पालन करना चाहिए और किन लोगों को इसका व्रत करना चाहिए। तो अक्सर देखा जाता है कि सुहागिन महिलाएं जो हैं इस व्रत को रखती हैं। इसके अलावा जो है कुंवारी कन्या भी इस व्रत को रखती हैं। कुंवारी कन्या इसलिए इस व्रत को रखते हैं कि उन्हें अच्छी पति की प्राप्ति हो, और जो सुहागिन महिलाएं हैं अपनी पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। और इस व्रत का नियम यह है कि एक बार जो इस व्रत को चालू कर लेते हैं वो निरंतर करते रहते हैं। इस व्रत को कहीं पे रोका नहीं जाता, और इसमें विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है ताकि जो है उनका व्रत सफल हो। इसमें इस तरह जो सावधानियां हैं वो आपको मैं बता दूं कि इसमें खास कर जो है महिलाओं को जो व्रत रखती हैं उनको निर्जला रहना होता है, किसी प्रकार की अन्न न जल ग्रहण करना होता है, और रात भर इन्हें जागरण करना होता है, रात्रि जागरण करनी होती है। साथ ही पूजन का जो विधान है वो पूजन का समय जो है गोधूलि वेला में सूर्यास्त के पहले और मध्य रात्रि में भी इसका पूजन किया जाता है। साथ ही इस व्रत जो है इसका संपन्न व्रत जो है तभी परिपूर्ण माना जाता है जब इस व्रत को नियम के साथ रखा जाए, किसी प्रकार की जो है लापरवाही ना बरती जाए, अन्न ग्रहण न जल ग्रहण किया जाए, और रात भर जो जागरण करता है और वही जो है इस व्रत के जो पुण्य है उसको पाता है। और इस तरह से इसका पूजन जो है एक दिन का लगातार 24 घंटे का होता है, और 24 घंटे के बाद जो है महिलाएं जो भी उपास रहती हैं वो पूरा होने के पश्चात दूसरे दिन सुबह माता पार्वती जी को भोग लगाती हैं। उन्हें सिंदूर चढ़ा करके ककड़ी खीरा आदि का भोग लगा करके उसके बाद जो है उपवास जो कन्याएं रहती हैं जो महिलाएं रहती हैं वो इस व्रत का जो है समापन करती हैं। इसके बाद वो भी अन्न जल ग्रहण करते हैं। इस तरह से ये व्रत में काफ़ी जो कठिन नियम है इसका पालन जो है व्रत रखने वाली महिला और कन्याओं को करना पड़ता है। जी देखिए, मिट्टी से शिवलिंग और माता पार्वती जी का मूर्ति बनाया जाता है, उसकी पूजन भी की जाती है, और रात्रि में जो महिलाएं हैं जो उपवास रखती हैं वो इस व्रत जो हरतालिका तीज का व्रत है इसे सुनती हैं रात भर। कथा का जो वो टोली बना करके महिलाएं इसको श्रवण करती हैं कि इस व्रत को क्यों रखा जाता है, क्या इसका नियम है और क्या इसका फल जो मिलता है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में ये जो हरतालिका तीज व्रत है इसे बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ रखते हैं। इसके अलावा प्रदेश के अलावा अन्य राज्य में भी इस व्रत को रखा जाता है, लेकिन खास तौर पर छत्तीसगढ़ की महिलाएं इस व्रत को ज़्यादातर रखती हैं अपनी पति की दीर्घायु के लिए।